मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम के लिए आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, इसलिए हृदय से मैं महाराष्ट्र सरकार को, सुभाष देसाई जी को और उसके साथ साथ सभी इन्वेस्टर को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जब मुंबई में इस कार्यक्रम में मैं आया तो ये इन्वेस्टमेंट की याद मुझे आ रही थी। जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहाँ और रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरूभाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि नितिन तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो यह करके देखो, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, पर लेट अस ट्राई फॉर इट। और तब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए MSRDC की स्थापना हुई, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन था और संस्थापक था, और RC सिन्हा जो उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बाद में हुए और मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हम दोनों मिलकर होटल की बात को छोड़ो, छोटे छोटे फोरम पर जाकर बैग लेकर, लैपटॉप पर नया नया आया था, मेरी उम्र 36 साल की थी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इधर जाके प्रेजेंटेशन करते थे और कहते थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। वो दिन इसलिए मुझे याद आया कि उस समय हम इन्वेस्टर के पास जा रहे थे, आज इन्वेस्टर हमारे हाल आ रहे हैं, इसका मुझे समाधान होता है। और जब पहली बार 500 करोड़ रुपए के लिए, हम उस समय की बात कर रहा हूं 96 की, हम कैपिटल मार्केट में गए और पहली बार हमको 1160 करोड़ रुपए बॉन्ड्स में रिसीव हुए, ओवर सब्सक्राइब हुए। दूसरे बार फिर हम लोग 650 करोड़ के लिए गए, फिर 1100 करोड़ रुपए मिले। तो रतन टाटा मुझे कहते थे कि तुम हमसे भी होशियार निकले, क्योंकि हमें किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यह पैसा पब्लिक मार्केट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलेगा। ये स्टोरी यहाँ समाप्त नहीं होती, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, फ्लाईओवर्स बन गए, वर्ली बांद्रा बन गया, इसके पैसे वसूल हो गए। और जब ये बात आई थी, ये पहला BOT रोड देश में बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और पहली पॉलिसी BOT रोड की जब बनी, तब मैं दिल्ली गया था और उसका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मुझे मलबार हिल में एक TV शॉप ने दिया। मैं नया नया मंत्री बना और मेरे घर पर कलर TV लेना था, तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था रॉकी हिल में, वहाँ सब जजेस रहते थे और मैं अकेला मिनिस्टर था और मैं PWD मिनिस्टर था। तो मुझे फ्रीज और TV, PWD ने कहा कि ये सरकारी नियम के आधार पर आपको नहीं मिल सकता। तो मेरा स्वभाव थोड़ा संघर्षशील था, मैंने कहा ये जो 12 हाईकोर्ट जज रह रहे, इनके पास टीवी और रेफ्रिजरेटर सरकारी बजट से मिलता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो निर्णय करके ले लिया है, पर तुम्हारे लिए ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, तो उन्होंने छोड़ दो, मेरे लिए मत करो। तो मैं एक दुकान में गया था और मैंने उनको कहा कि मुझे TV खरीदना है, मुझे इंस्टॉलमेंट पे TV दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि TV का देखा, मैंने मॉडल सिलेक्ट किया, और जब उनको पता चला कि मैं मंत्री हूँ, तो उन्होंने कहा कि नया पीस आने के बाद सर मैं आपके पास देता हूँ, क्योंकि अभी नया पीस अच्छा फ्रेश पीस आएगा, तो आप थोड़ा वेट करिए। बाद में उसका नया पीस आया नहीं और TV मुझे मिला नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट पर TV लेने वाला मिनिस्टर है, तो शायद पैसा आएगा कि नहीं आएगा।
क्योंकि इसका मुझे अनुभव आया था। एक बार कामत साहब मेरे साथ फ्लाइट में थे, ICICI बैंक के MD थे, तो मेरे पास आए और उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो मैंने उनको कहा, कामत साहब आप मेरी तारीफ कर रहे हो, आपके बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड रिफ्यूज कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो बोला हमारी पॉलिसी ऐसी है कि लॉयर और पॉलिटिशियन को हम लोग क्रेडिट कार्ड नहीं देते। तो वो बाद में उन्होंने मेरे लिए तुरंत किया। पर इस बात से एक अनुभव मिला कि जब TV अगर इंस्टॉलमेंट पर मिल सकता है, एम्बेसडर कार मिल सकती है, फियाट मिल सकती है, तो फिर टनल और ब्रिज क्यों नहीं मिल सकता। और इसी इंस्पायरेशन से मैंने ठाणे भिवंडी बाईपास पहला BOT रोड बनाया, जो BOT भी भारत सरकार ने अप्रूव किया, हम पॉलिसी लेकर गए और बाद में BOT पॉपुलर हुआ। और आज मुझे बताने के लिए एक ही बात है, बाकी भाषण करने की जरूरत नहीं है, कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद उसका टोल कम हो रहा था और कर्जा ज़्यादा था। तो प्रॉब्लम आया कि उस समय करंदीकर करके MSRDC के MD थे, उस समय NCP और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो MSRDC इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही थी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। तो करंदीकर साहब को शरद पवार साहब ने मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि ये इसका अड़चन की समस्या आप नितिन को ही पूछो कि वो कुछ बता पाएगा। तो करंदीकर साहब जो थे MIDC के भी CEO थे, बाद में MSRDC के MD थे, मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये वायबिलिटी नहीं आ रही और हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि एक्सप्रेस हाईवे का पैसा कैसे वसूल होगा। तो शरद पवार साहब ने कहा है कि आपको मिलकर सॉल्यूशन निकलेगा, नितिन को मिलो। तो मेरे अपरेंट रिएक्शन हुई कि अब मैं तो मंत्री नहीं हूँ, मैं क्यों सॉल्यूशन दूँ, अब ये आप ढूंढते बैठे हो। तो करंदीकर जी ने मुझे कहा कि आप अपोजिशन लीडर जरूर हो, पर ये ब्रेन चाइल्ड आपका ही है और आपको ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो मैं थोड़े दिन सोचकर उनके साथ बैठा और मैंने कहा ऐसा करो, जो पुराना मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, नेशनल हाईवे, आप भारत सरकार को मांग लो और एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे को मर्ज कर दो, दोनों को एक ही प्रोजेक्ट बना दो और ये बनाकर आप प्रपोजल लेके दिल्ली आओ, खंडूरी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो दोनों प्रोजेक्ट मर्ज करने से उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी हो गई और भारत सरकार में खंडूरी जी को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो अनुमति दे दी और पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने उसको मोनिटाइज किया, उनको 3,000 करोड़ रुपए मिले। बाद में वो पीरियड खत्म हो गया जबकि कॉस्ट जो थी कंस्ट्रक्शन की, मैं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए यही उदाहरण बताना चाहूँगा कि रिलायंस ने कोट किया था 3600 करोड़, हमने उसको रिजेक्ट करके MSRDC के द्वारा पूरा किया 1600 करोड़ में, 2000 करोड़ बचाए, उसको मोनिटाइज किया महाराष्ट्र सरकार ने, उस समय मिले 3000 करोड़, और अभी एक साल पहले अभी मोनिटाइज किया ये दोनों हाईवे को, तो महाराष्ट्र सरकार को मिले 8000 करोड़। तो आप ही समझ लेना कि 1600 करोड़ के रोड को एक बार 3000 करोड़ में मोनिटाइज हुआ और अब 8000 करोड़ में मोनिटाइज हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में सोचना ही बंद कर दो।